हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन फ्रॉम ज्योग्राफी. सो बिफोर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट्स इंपॉर्टेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव डिस्कस्ड. वी हैव टॉक्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इंडिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज. सो दैट इंडिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट topic of a lesson, that is resource planning. See, it is very clearly written, you can see here, that why is resource planning important to us. You will find the very first thing, that for the judicious use of resources. You know what is the meaning of judicious? That is the proper utilization of resources, efficient and the best manner mein hum us resource ko use kar sakein. That is judicious use of resources without its wastage. Second, फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि थ्रू आउट आर कंट्री हमारे पास कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं और कितनी क्वान्टिटी में अवेलेबल हैं. ओके, फॉर आफ्टर दैट रिसोर्स प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हमें उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिएगी, वो किस टेक्नोलॉजी के साथ हम उसे और उसका क्या क्या यूज़ होता है ना. फॉर दैट वट वी डू, वी मेक अ प्लानिंग स्ट्रक्चर जिसके और उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे ताकि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे. सो इफ़ वी रिवाइज कि हम लोगों ने अब तक 3 points पढ़े, रिसोर्स प्लानिंग क्यों चाहिए होगी, उस रिसोर्सेज का फुलर मैनर में यूज़ करने के लिए, हमारे पास रिसोर्स कंट्री में कहाँ कहाँ अवेलेबल और कितनी क्वान्टिटी में अवेलेबल है इसको पता करवाने के लिए. थर्डली, जब रिसोर्सेज हमें पता चल जाते हैं, जब उनकी क्वांटिटी हमें नोन हो जाती है, तो उसे अभी कितना यूज़ करना है, उसे किस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करना है, फॉर दैट वी कीप. एंड द फोर्थ वन, लाइक आई हैव सेड इट आल्सो, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल प्लान्स, कि उसे एट प्रेजेंट में उस रिसोर्स को कितना यूज़ करना है और उसे फ्यूचर के लिए हमें कितना सेव करके रखना है ताकि वो ईजिली रीग्रो या रीजनरेट हो पाए. ओके, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. आई एम क्लियर विद दिस? सो नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिसोर्सेज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली वैन दे आर अकम्पनीड बाई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट बिफोर ऑल्सो, कि एक रिसोर्स जो है वो कभी भी हमारे लिए यूजफुल या हमारे लिए प्रोडक्टिव कब बन पाता है. वी हैव स्टडीड अबाउट अ ट्राइंगल ऑल्सो प्रीवियसली, जहाँ आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ गई थी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अपने नेचर से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. वो इन रिसोर्सेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जिनसे उन्हें डेवलपमेंट या उन्हें बोलते हैं सेटिस्फिकेशन मिल सके. ओके, तो एक रिसोर्सेज हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा, एक कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा, जब उसे यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल होगी. ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड पेज. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपको अच्छे से पता है कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और इस तरीके से, इस प्लान्ड तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना कि उनका किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो. सो नाउ व्हाट इज़ द नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज फ्रॉम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग एग्जॉस्टेड, ताकि वो ईजिली ख़त्म ना हो जाए और उन्हें इतना सफिशेंट टाइम मिल जाए ताकि वो ईजिली खुद को रीग्रो कर पाए, राइट, टू सेव इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैन डैमेज टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, इन अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन डिप्लीट देम. अगर हम कंटिन्यूस बिना सोचे समझे उन रिसोर्सेज का यूज़ करते जाएंगे तो रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट, विल मतलब लाइक गेट ओवर. ओके, और हमने ये पहले भी इस लाइन के बारे में बेटा पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में, कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होती है, राइट. तो एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किसी भी नेशन का तभी तक पॉसिबल है जब उसके पास सफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज अवेलेबल है. ओके, सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिचनेस डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. I'm clear with this. Okay, so now we are going to start with the one of the important resource, that is
लैंड रिसोर्स. आप जानते हो लैंड रिसोर्स क्या होता है, आप हम लोग इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, दैट इट हैज़ वेरियस ऑल्टरनेटिव यूजेस. अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की ही बात करूँ बेटा, तो इंडिया का जो रिलीफ फीचर है, देयर यू विल फाइंड 43% ऑफ प्लेन्स, जहाँ पर हम जनरली एग्रीकल्चर और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो होता है. आफ्टर दैट 27% जो है वो हमें प्लैट्यूज मिलेंगे. ओके, तो प्लैट्यूज में आपको क्या मिल जाता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती है ना, रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं मिनरल रिच, वो आपको जनरली प्लैट्यूज में मिलता है. लास्टली वी हैव इस 30% ऑफ माउंटेन्स. आप माउंटेन्स पे भी हमको फॉरेस्ट मिलेगी, रिवर्स वगैरह मिलेगी, फाइन, वहाँ पे भी हमें रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एरियाज, वाइल्ड लाइफ, वो हमें माउंटेनियस एरियाज में मिलेंगे. ओके, सो दिस वॉज अ पर्टिकुलर रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया. नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन, कि अब हमारे पास बहुत लाइक एज इफ वी नो दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, तो हमने उस पर्टिकुलर लैंड का यूटिलाइजेशन किस मैनर में किया हुआ है. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सबसे पहली चीज़ लैंड यूज में व्हाट वी हैव इज फॉरेस्ट. आपको पता है दैट इंडिया में मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. हमारे यहाँ पे बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी हैं, लाइक एवरग्रीन, डिसीडियस, यू हैव स्टडीड अबाउट दैम इन योर लास्ट क्लासेस, राइट. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज फेलो लैंड. ओके, नाउ अब आप इस फेलो लैंड से कैसे समझोगे बेटा, फेलो लैंड भी दो तरह की होती है. ओके, करंट फेलो एंड अदर देन करंट फेलो. जो करंट फेलो होती है उसके अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी केवल एक सीजन या एक ईयर के लिए नहीं होती है. इफ़ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर ईयर और जस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर सीजन, देन इट इज़ नोन एज करंट फेलो. ओके, और अगर मैं अदर देन करंट फेलो की बात करती हूँ, तो वही एग्रीकल्चरल ईयर कहाँ चला जाता है, 1 to 5 years में. अगर केवल 1 year के लिए आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की है, दैन इट विल बी नोन एज करंट फेलो. और अगर वो ज़्यादा ईयर्स के लिए 1 to 5 years के ड्यूरेशन तक चली जाती है, अगर उस लैंड पे कोई भी एक्टिविटी फॉर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर 1 to 5 years अगर नहीं हुई है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अदर देन करंट फेलो. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी गो हैव इज नेट सोन एरिया. अब आप नेट सोन एरिया को कैसे समझोगे बेटा, लाइक फॉर एग्जांपल हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन. ऐसे बहुत से क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो होने में हमें नियरली जिनको ग्रो करने में हमें 1 साल लग जाता है. ओके, तो अब यहाँ पे जो फार्मिंग होती है ना बेटा, वो थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर, वो केवल एक ही बार हो सकती है. ओके, तो ऐसे फार्मिंग लैंड्स जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी साल में एक ही बार होगी, ठीक है, या फिर हम लोग उन्हें कैलकुलेशन के वक्त साल केवल एक ही बार काउंट करते हैं, वो क्या होता है, नेट सोन एरिया. इफ़ यू वांट यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ नेट सोन एरिया आल्सो. नेट सोन एरिया इज टोटल एरिया, ठीक है, इज टोटल एरिया सोन इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर. इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस अ ईयर. आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है अदर देन कल्टिवेशन जिसके लिए लैंड को यूज़ किया जाता है. सी नाउ व्हाट यू हैव इज बैरन एंड वेस्ट लैंड. सी व्हाट डू यू मीन बाय बैरन लैंड बेटा, जहाँ पे मतलब बिल्कुल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती ही नहीं. जैसे आप डेजर्ट्स एरियाज मानोगे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर राइट देयर. एंड व्हाट वी टॉक अबाउट वेस्ट लैंड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेलो लैंड एंड वेस्ट लैंड हियर. ओके, जब हमने फेलो लैंड की बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर एक ईयर के लिए नहीं हुई है. जब वो हम 1 year के लिए बात करते हैं, तो हम उसे फेलो लैंड बोलते हैं. एंड व्हेन वी गो अप टू, व्हेन वी टॉक मिनिमम ऑफ अप टू 5 years, ओके, तो उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड. वेस्ट लैंड ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी 5 years तक नहीं हुई है, दैट इज़ नोन एज दी वेस्ट लैंड. ओके, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है. ओके, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे अगर हमारे घर बन गए हैं, कई बिल्डिंग्स बन गई है, कई मॉल्स बन गए हैं, कई रोड बन गए हैं, कई रेलवे लाइन लग गई है, दैट लैंड इज नॉट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड अंडर दी कल्टिवेबल एरिया, राइट. सो दैट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज. ओके, देन अदर, नेक्स्ट व्हाट वी, वेयर वी विल मूव इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती है जिसमें वेस्ट लैंड होती है, वी हैव सीन हियर द डेफिनेशन इज ऑल्सो रिटन, विच कैन बी कल्टिवेटेड बट लेफ्ट कल्टिवेटेड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years. ओके, लैंड अंडर मिसक्लेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स, जैसे हम लोग बात करें जो कमर्शियल होते हैं, है ना, कमर्शियल में जैसे यहाँ पर रबर, टबैको, दैट यू कैन इंक्लूड इन मिसक्लेनियस क्रॉप्स.
Next, what we have is permanent pastures and grazing lands. Fine. So this is particular you got of land use. कि हमारे पास forest areas होते हैं, fallow lands होती है, net zone area होता है, land not available for cultivation होता है, other than fallow other uncultivated lands होती हैं. See बेटा, एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे is about the gross cropped area. So when we are talking about net zone area, we will also look after gross cropped area. Okay? So net zone area क्या होता है? I have already told you, it is the total sown area जहाँ पर crops को हम साल में केवल एक ही बार वहाँ पे grow करते हैं, that is net sown area. Gross cropped area इससे completely different हो जाता है. Gross cropped area भी is total area, total sown area, पर वहाँ पर जो हम farming करते हैं, that is multiple farming होती है वहाँ पे, साल में दो या दो से ज़्यादा बार crops को grow किया जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? मल्टीपल क्रॉपिंग भी आपने पढ़ रखा ही है. सो इफ़ देर इज अ डिफ्रेंसिएशन इन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया के अंदर फार्मिंग जो है, कल्टीवेशन जो है, वो थ्रू आउट द ईयर एक सिंगल बार होगा, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में मल्टीपल टाइम्स होगा, टू और मोर टाइम्स होगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेलो लैंड, यहाँ पर अनकल्टिवेटेड लैंड रहती है जस्ट फॉर वन ईयर. और अगर हम वहीं पे वेस्ट लैंड की बात कर लेते हैं ना, वेस्ट लैंड की डेफिनेशन पे अगर हम चल जाते हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड for more than 5 agricultural years. Is it clear? Okay. So if you will see on the next page, these particular points are only written in detail. Okay. So have a look over here and you will get you will be able to understand. So what next we have is land degradation. Now what do you mean by land degradation? See, land degradation ka simple sense mein matlab kya hota hai, ki jo hamari land ki quality hai wo decrease ho jati hai. It could be by any means, okay? It could be by any means. It could be a natural cause or it could be a human cause, okay? So we'll have a look what are the causes of land degradation. So when we are talking about the causes of land degradation, natural cause के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से agents के through degradation होता है, that is water, wind, okay? तेज़ हवा आएगी तो भी वो सॉइल को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी. वाटर के साथ ही अब सीन फ्लड वगैरह होता है तो वो भी अपने साथ सॉइल को बहा करके ले जाता है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ह्यूमन कॉज. हम ह्यूमंस क्या क्या करते हैं? वी डू माइनिंग एंड इंडस्ट्री, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. अब आपने ये भी देख लिया दैट लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और उसका जुडिशियस यूज़ करना भी, उसका प्रॉपर यूज़ करना भी हमारे लिए कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस लैंड डिग्रेडेशन से हमारे पास सोल्यूशन क्या है? लैंड कंजर्वेशन. और आप लैंड कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो? बाय अफॉरेस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, बाय कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, एंड देन जो सैंड ड्यून्स होते हैं. ठीक है, सैंड ड्यून्स ऑल्सो यू नो व्हाट इज सैंड ड्यून्स, जो एक हवा आती है और एक मिट्टी के ढेर को उठा करके वापस कहीं और डिपॉजिट कर देती है. ओके, तो वहाँ अब बेटा वो विंड के वजह से, वाटर के वजह से, जो विंड सॉरी जो सॉइल मूव करता रहता है, उसे आप एक जगह कैसे होल्ड कर पाओगे? बाय ग्रोइंग ट्रीज. एंड हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. ओके, सो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस. दिस इज अगेन द चार्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. व्हाट द पॉइंट्स यू हैव सीन प्रीवियसली, दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटी, अफॉरेस्टेशन, एंड प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आफ्टर ट्रीटमेंट. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. वी हैव टॉक्ड अबाउट रिसोर्सेज, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आफ्टर दैट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़े. हमने फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया था प्रॉपरली. ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे, उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी मूव टूवर्ड्स इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद भी हम लोगों ने बात की कि जो ये कंटिन्यूस यूज़ ऑफ रिसोर्स हो रहा है, इससे क्या क्या हमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो, मतलब जो रिसोर्सेज, वो भी कंटिन्यूसली डिप्लीट होते जा रहे हैं. तो हम जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं
उसे यूज़ करने के लिए भी हमें एक प्लान्ड मैनर चाहिए, है ना, ताकि एक रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ हो सके। सो बेटा, जहाँ हम लोग प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन आता है CBSE में, ठीक है। यू विल फाइंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ इज़ रिसोर्स प्लानिंग डन इन इंडिया। तो इंडिया में भी सिमिलर मैनर में होती है। गवर्नमेंट जो है पहले वो पता कर लगाती है कि कंट्री में कहाँ कहाँ कितने कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस क्वान्टिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है। सेकेंड, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है ताकि रिसोर्सेज का किसी भी मैनर में वेस्टेज ना, और उसका सफिशिएंट मैनर के अंदर उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओके, फिर उसके बाद में वो रिसोर्सेज को भी वो एक एनलिस्ट कर देती है कि हमें अभी कौन से रिसोर्सेज को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, उसे फ्यूचर के लिए हमें कितना सेव करके रखना है। देन वी हैव सीन अबाउट अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ लैंड रिसोर्स। वी हैव सीन द रिलीफ, इंडियन रिलीफ ऑल्सो। उसके बाद में हम लोगों ने लैंड कंजर्वेशन, लैंड यूटिलाइजेशन देखे कि इंडिया में जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड को तो हम किस किस मैनर में लैंड की यूटिलाइज कर रहे थे। लैंड डिग्रेडेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट, द सोल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, सो दिस वॉज, हियर वी गो ऑफ विद द लेक्चर। थैंक यू।